खबर देहरादून से है। ग्रीष्मकालीन विधानसभा गैरसैन में होगा बजट पेश। 15 मार्च को धार्मिक सरकार पेश करेगी बजट। सत्र से पहले 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 14 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। लगभग 79,000 करोड़ का सरकार का बजट है। बजट सत्र को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। विपक्ष ने भी बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। इसके लिए रणनीति बना ली गई है। जोशीमठ आपदा कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी। उत्तराखंड का और धामी सरकार का ये दूसरा बजट 15 मार्च को गैरसैंण में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सौभाग्य से मुझे वो जिम्मेवारी मिली है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मोदी साहब ने उनके नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ है वो हम उसको एक आईकॉन मान के और उसके आधार पे हम लोग पूरे अपने उत्तराखंड की जनता के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और रोजगार के लिए इस बजट में हम प्रावधान करेंगे। और इस खबर पर देहरादून से पंकज राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, 15 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले आप सरकार की क्या तैयारी आप देख रही हैं? बजट में क्या कुछ हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने घेरने की तैयारी पूरी कर ली है? बिल्कुल सोनिका, देखिए 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार ने पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह कैंप लगाकर आम जनता से राय ली है और बजट में आम जनता की राय को शामिल किया गया है। रोजगार परक और महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष ध्यान इस बार सरकार देने जा रही है। इसके साथ साथ ही विभागों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और किस तरह से राज्य में विकास हो सकता है उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें रखी जानी है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग के तहत सरकार जो भी आगामी प्लान तैयार कर रही है उसको लेकर बजट में पूरी तरह से सभी चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी। बजट को लेकर सरकार ने अपने स्तर से तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में पिछले दौरान कुमाऊं के दौरे पर गए थे जहां उन्होंने सभी तमाम बुद्धिजीवी लोगों से और आम जनता से राय ली है। इसके साथ साथ ही सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों को भी ये कहा गया था कि वो अपने जिले में सभी लोगों से राय लें और उनकी राय को सरकार को दें, वो सब उसको बजट में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज 9 मार्च है और 9 मार्च से लेकर अगर देखा जाए तो 4 से 5 दिन का बस सरकार के पास बचा हुआ है। सभी विभागों के जो एजेंडे थे वो वित्त विभाग के पास पहुँच गए हैं, उसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सत्र जो चलना है गैरसैंण में उसको विधानसभा स्तर पर कितनी तैयारी की गई है। विधानसभा सचिवालय के पास अभी तक जो जानकारी मिली है तकरीबन 650 के करीब जो प्रश्न है विधायकों के वो पहुंचे हैं और उसके साथ साथ ही तमाम अलग तरह से जो विधायक हैं वो प्रश्न लगा भी रहे हैं। किनको अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों में रखा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष का भी इससे अधिकार होता है, तो वो सभी तैयारी कर ली है। गैरसैंण में भी हर तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। वहाँ पर सड़क मार्ग से लेकर तमाम जो रहने और खाने की जो व्यवस्था है, तमाम कर्मचारी वहाँ जाएंगे, उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 13 मार्च को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो अभिभाषण से ये शुरुआत होगी और 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में से जरूर करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। काशीपुर से ये बड़ी खबर है, होली में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। आईटीआई थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा का ये पूरा मामला। होली के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक युवक के सिर में इस दौरान चोट आ गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहां पर युवक की मौत हो गई। चाची का लोंडा नरेश घर पे, ठीक है, फिर वो नाचने चला गया था चाची का लोंडा, ठीक है, उसमें लड़ाई हुई थी दूसरों में, उन्होंने बचाया, फिर उसे आकर बीच बचाव करके वो तो हट गए, मारा हमारे भाई को आकर बेल फालतू में। बाल किशन ने, विक्की ने, दो विक्की थे और एक चंदा थे और एक वो था जब एक विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राम प्लाजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें भी आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है बताया जा रहा है। देहरादून में राम प्लाजा कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग और आग लगने के बाद आसपास जितनी भी दुकानें वहां पर रही है सभी दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है ये जानकारी मिल रही है। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। ये तस्वीर आपके सामने राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स से बताया जा रहा है लेकिन भीषण आग लग गई। इसमें आग लगने की वजह फिलहाल साफ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।